माँ देखो मेरा रिजल्ट कार्ड आ गया है माँ, और मैं फर्स्ट आई हूँ माँ पूरी क्लास में। अब मैं भी पढ़ लिख कर खूब नाम कमाऊंगी माँ, और आप लोग के लिए बहुत अच्छा करूंगी माँ। क्या करेगी पढ़ लिख के? वहाँ तेरा बाप तेरी शादी की तैयारी कर रहा है और तुझे कलेक्टर बनने की पड़ी पड़ी है। माँ आप प्लीज पापा को मना करो माँ, मैं नहीं कर सकती और मैं नहीं करना चाहती माँ शादी। मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ और आप लोगों का नाम रोशन करना चाहती हूँ माँ। प्लीज माँ आप पापा को बोलिए माँ। तो मेरा बेटा और खूब नाम भी कमाएगा और मुझे अच्छी अच्छी जगह भी ले जाएगा और मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी खिलाएगा। तू क्या करेगी पढ़ने के अंत में? तुझे करना तो चूल्हा चौका ही है ना। लड़की कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती। क्या मुझे भी अपने परिवार के प्रेशर में आके शादी करनी पड़ेगी? क्या मैं भी आगे नहीं बढ़ सकती हूँ? आ गया तो दिखा दिखा अपना कार्ड दिखा। तू जरूर फर्स्ट आया होगा ना? क्या तू फेल हो गया? सत्यानाश हो तेरा, मैं कहाँ तेरी तारीफें कहाँ कहाँ नहीं करती और तू फेल हो गया। छी, और कहाँ ये मेरा नालायक बेटा, मुझे भी अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए। अब मैं तेरा पूरी तरह से सपोर्ट करूंगी और तेरे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी बेटी, और ताकि तू पढ़ लिख के खूब नाम कमाए मेरे लिए नहीं सिर्फ अपने लिए। नमस्कार भाई बहनों, मैं आपसे भी यही आशा करती हूँ जैसे मैंने अपनी बेटी के साथ किया वैसा आप कभी भी अपनी बेटी के साथ ना करिएगा, और हमेशा उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उसका हमेशा साथ दीजिएगा, और बेटी बेटी में कोई फर्क नहीं रखिएगा। जितना बेटी को सपोर्ट करते हैं उतना बेटे को भी, और जितना बेटे को सपोर्ट करते हैं उतना बेटी को भी, और मेरी तरह ये गलती कभी नहीं करिएगा। सृष्टि नहीं नारी बिना यही जगत का आधार, नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। जिस घर में नहीं होता नारी का सम्मान, देव पूजन व्यर्थ है सब दाम। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता जोशी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने ब्लॉग से, कविता जोशी ब्लॉग। जैसा कि ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, और उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे एक लड़की पढ़ना चाहती है बट वो अपनी पारिवारिक समस्याओं के चलते पढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि उसके माता पिता उसका सपोर्ट नहीं कर रहे, और खास तौर पर उसकी माँ, जबकि वह खुद ही एक महिला है। बट आपने वीडियो के अंत में देखा कि उसकी माँ को भी समझ में आ गया कि हाँ, लड़की का शिक्षित होना आज के समाज में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम चाह रहे कि हमारा बेटा पढ़े, तो हम यही चाह रखनी चाहिए कि हमारी ही बेटी पढ़े और समाज में अपना योगदान दे और इस काबिल बने, ताकि आगे फ्यूचर में कोई भी परिस्थिति ऐसी हो जिसमें उसे अकेले खड़ा रहना पड़े, ना कि अपने पति की जरूरत पड़े, तो वो खुद डटकर अकेले खड़ी रहे और अपने बच्चों का पालन पोषण करे और इन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान दे। तो शिक्षा क्या है दोस्तों? शिक्षा एक ऐसा आधार है जिसके तौर पर हम मानसिक रूप से पूरी तरह समाज में रहने के लिए तैयार होते हैं, और अपने अंदर एक मोटिवेशनल थॉट्स और अपने अंदर एक जज्बा उत्पन्न करते हैं। दोस्तों शिक्षा के आधार से ही हर किसी का विकास हुआ है, और शिक्षा के आधार से ही जो समाज है ऊपर उठता चला जा रहा है। और दोस्तों खास तौर पर इसमें आती है महिला की शिक्षा। अगर महिला पढ़ी लिखी हो और अगर महिला समाज के सारे नियमों को जानती हो, तो वो महिला जरूरी अपने फ्यूचर में एक शिक्षित समाज को खड़ा करने हैं प्रोत्साहित रहती है। अगर महिला पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने अनुसार ही बच्चों को ऐसी परवरिश देती है, और बच्चों को आज के जीवन के हिसाब से जीना सिखाएगी, और बच्चों को आज के जीवन के हिसाब से जो छोटी छोटी जरूरतें हैं उनको पूरा करना सिखाएगी। दोस्तों आजकल के टाइम पे महिला का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, और सरकार ने बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए हैं जिसमें महिला शिक्षित होती है और खुद अपने पैरों पर खड़ी होगी और अपने परिवार को भी अब एक सपोर्ट देती है और अपने बच्चों के लिए भी एक फ्यूचर तैयार करती है। आज भी हम देखते हैं गाँव में, अरे तू क्या करेगी पढ़ के? तू तो एक लड़की है और तुझे तो एक दिन जाके दूसरे के घर का चूल्हा चौका करना है। दोस्तों अब देखो ये लैंग्वेज, दूसरों के घर जाके चूल्हा चौका करना है। दोस्तों अब अभी बोलते हैं कि शादी करके तुझे अपने घर जाना है, लेकिन ऐसी ही लैंग्वेज यूज करते हैं, तुझे दूसरे के घर का चूल्हा चौका करना है। एक तरफ तो हमसे बोला जाता है कि आपको दूसरे घर का चूल्हा चौका करना है, और दूसरी तरफ हमसे बोला जाता है देखो शादी करके अपने घर जाना है। तो दोस्तों अभी तक हम अपने जीवन काल से अपनी उम्र 18 साल तक जहाँ रह रहे थे, क्या वो हमारा घर नहीं था? क्या वहाँ वो हमारे माँ बाप नहीं थे? क्या उन्होंने हमें कुछ भी संस्कार नहीं दिए? बट दोस्तों ये कहना गलत होता है कि तुझे अपने घर जाना है। अगर अपने ही घर जाना होता है तो ये जहाँ हम रह रहे होते हैं वो क्या होता है? वो हमारा घर नहीं होता है। आज भी दोस्तों गाँव में कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं जानती और पूरी तरीके से अनपढ़ होती हैं, और वो महिलाएं ये चाहती हैं कि हमारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान हो और ताकि वो हमारी तरह अपना जीवन यापन ना करें। इसलिए आजकल सरकार द्वारा कई ऐसे अभियान चलाए गए हैं गांव-गांव में जाकर औरतों को अपना नाम लिखना सिखाना और समाज में हो रही चीज़ों के बारे में बताना, और उनको समाज में कैसे खड़ा होना है और कैसे समाज को फेस करना है वो सब चीज़ें बताई जाती हैं दोस्तों। और कई सारे NGO ऐसे हैं और कई सारी संस्थाएँ ऐसी हैं जो औरतों को पढ़ाने के लिए उत्साहित होते हैं, और ताकि वो अपने एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके।
और दोस्तों सरकार ने भी गांव में ऐसी संस्थाओं को भेजकर थोड़ा सा उन औरतों को पढ़ना लिखना सिखाया है और थोड़ा मोटिवेट करना सिखाया है, ताकि वो औरतें थोड़ा अपने थोड़ा सा तो इतना अपना नाम वाम लिखना सीख लें और थोड़ा सा समाज के बारे में और हमारी समाज में निरंतर चलता क्या है उन सब के बारे में। आपको दोस्तों पता है जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस पे व्लॉगिंग करूँ, क्योंकि जनरल अपनी लाइफ स्टाइल में और कॉमेडीज वगैरह और ट्रैवलिंग वगैरह तो लोग हमेशा ही करते हैं, लेकिन मोटिवेशनल थॉट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिससे हम लोग जो जानते हैं या जो हमारे अंदर विचार चलते हैं वो दूसरों पर व्यक्त कर सके और अपने व्यूज दोस्तों तक पहुंचा सके और दूसरों के व्यूज भी सुन सके, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे समाज में क्या क्या चल रहा है। वैसे क्योंकि सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये सब बताने के लिए कि हमारे समाज में क्या क्या चल रहा है, और वहाँ से चीज़ों को समझने के लिए भी ये पता चलता है कि हमारे समाज में क्या क्या चल रहा है। तो दोस्तों जो हमारी नारी शिक्षा का टॉपिक है, तो नारी शिक्षा में दोस्तों मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपके आसपास या अगर आपके गाँव के आसपास कोई ऐसी स्थिति होती है जहाँ औरतें पढ़ नहीं पाती हैं, तो कृपया करके इन औरतों का सपोर्ट करिए और उनको थोड़ा थोड़ा करके कुछ पढ़ाना सिखाइए, चाहे अपना नाम हो गया या आ ई या कौ कुछ भी हो सकता है, कुछ ही पढ़ाना थोड़ा थोड़ा तक करके स्टार्टअप करिए, भले एक महीने में नहीं साल भर में नहीं, कुछ टाइम बाद वो लोग अपना नाम लिखना और थोड़ा 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 करके सब सीख जाएंगी। ये एक बेहतर समाज के भविष्य के लिए एक छोटी सी पहल है हम सबकी। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो और आशा करती हूँ आप लोगों को काफ़ी आप लोग इससे मोटिवेट हो। अगर आप लोग इससे मोटिवेट हुए हों या थोड़ा सा आप लोगों को मेरी ब्लॉगिंग पसंद आई हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।